जैसा कि गाइस आप लोग देख रहे हैं, अंदर का रास्ता बहुत ही अलग है, अमेजिंग। मतलब यहाँ पर एक टाइम पर बस एक लोग ही जा पाएंगे, ऐसा रास्ता बना है। आराम से आइएगा। गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम लोग आ चुके हैं गुरपा हिल्स, जो कि बिहार डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और गया से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। सो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं पीछे का सीन, ये गुरपा हिल्स पीछे में है। सो फिर चलते हैं हम लोग गुरपा हिल्स और अपने डेस्टिनेशन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सामने गुरपा हिल्स, हम लोग यहीं पर जाने वाले हैं, इसके टॉप पर जाने वाले हैं और देखने वाले हैं कैसा सीन रहता है और बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें और ब्लॉग को इन्जॉय करें। गुरपा हिल की जर्नी स्टार्ट होने वाली है, अब हम लोग पहाड़ पर चढ़ना शुरू करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा रास्ता है और कितना टाइम लगता है हम लोग को चढ़ने में। सो मिलते हैं फिर गुरपा हिल के टॉप पर। सो जैसा कि गाइस आप लोग देख सकते हैं, सीढ़ियाँ बहुत सारे हैं और हम लोग ने चढ़ना शुरू कर दिया है। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं हम लोग। यहाँ पर बैठने के लिए, आराम करने के लिए भी बनाया गया है। सो यहाँ पर आप लोग अभी आकर आराम भी कर सकते हैं। सीढ़ी देख रहे हैं, थक गए, अभी स्टार्ट ही हुआ है और हम लोग थक गए। मुझे ना कुछ दिखा है, अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ कुछ दिख रहा है आपको? यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्ट किया हुआ है, पता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। होप करता हूँ गाइस आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर भी हैं, बहुत सारे। जैसा कि यहाँ पर देखिए आप लोग, बहुत सारे पत्थर यहाँ पर हैं। अभी हम लोग ऑलमोस्ट 500 सीढ़ी चढ़ चुके हैं ना, अभी हम लोग आगे जा ही रहे हैं। देखते कब तक पहुँचते हैं हम लोग इसके टॉप पर। बट यहाँ पर सीढ़ियाँ मतलब जैसा कि गाइस आप लोग देख रहे हैं, अंदर का रास्ता बहुत ही अलग है, अमेजिंग। मतलब यहाँ पर एक टाइम पर बस एक लोग ही जा पाएंगे, ऐसा रास्ता बना है। आराम से आइएगा। रास्ता है ना आगे, सेफ रहेगा जरा अंदर।
अंदर रास्ता बंद है। चले मतलब ट्रॉली में कुछ नहीं दिख रहा है। दिस इज अमेजिंग। वो अभी भी और है। गाइस व्लॉग में बने रहिएगा, बहुत ही अमेजिंग है। दिस इज अमेजिंग। गाइस सीन देखो क्या लग रहा है यहाँ से नज़ारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और भी ऊपर चलते हैं। पर एक छोटा सा मंदिर टाइप का ही बना हुआ है। वो यहाँ मंदिर है। यहाँ के अजीबोगरीब रास्ते मतलब पत्थरों से भरे हुए, सबसे अच्छा मुझे यही लगा। गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। बहुत ही कोहरा दिख रहा है, हर तरफ कोहरा ही कोहरा। यहाँ पर कुछ मंदिरों मंदिर भी यहाँ पर कुछ है। गाइस इस नज़ारे के लिए एक लाइक तो बनता है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना। यहाँ दूर दूर तक तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस घनी घाटी दिख रही है और कुछ भी नहीं। लिटरली में कुछ भी नहीं दिख रहा है और कोहरा, हर जगह कोहरा भरा हुआ है। गाइस आप लोग देख पा रहे थे यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। एक बार आप लोग यहाँ ज़रूर आए और मतलब लिटरली में यहाँ पर आओगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ के सीन हर जगह चारों तरफ घाटी घाटी भरे। तो व्लॉग को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। व्लॉग को देखने के लिए थैंक यू। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो हमेशा आने वाली है। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।